मुझे पता है कि लोगों को एक दिन पत्रकार की ज़रूरत पड़ेगी। ये जो भांड होते हैं जो दिन भर सरकार का गुणगान करते हैं, उसे कुछ दिनों में तो आपका मनोरंजन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही रेलवे में 3 लाख लोगों की छटनी होगी, बैंक वाले निकाल दिए जाएंगे, उस दिन वो किसी पत्रकार को ही ढूंढेंगे। भले मुझे ना ढूंढे, लेकिन वो कल्पना करेंगे कि यार कोई ऐसा पत्रकार होता तो हमारी बात को रखता और दुनिया में हंगामा मचा देता। तो इसलिए मैं जानता हूं कि हमारी ज़रूरत है। आज भले ना हो वो बैंक वाले, रेलवे वाले, फैक्ट्री वाले, प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले, सरकारी कर्मचारी वाले लोग जो मस्त हैं, जो नौजवान मस्त हैं अपनी नौकरी छोड़कर, और वो दिन भर वो हिंदू मुस्लिम डिबेट देख रहे हैं और दिखाए जा रहे हैं और फर्जी प्रोपेगेंडा दिखाए जा रहे हैं, वो समझ नहीं रहे हैं कि टेलीविजन उनके साथ क्या कर रहा है। लेकिन मुझे पता है कि जिस दिन वो प्रभावित होंगे, उनके उनकी ज़िंदगी प्रभावित होगी, वो एक दिन पत्रकार को ढूंढेंगे। उन चैनलों को नहीं ढूंढेंगे जिनको वो देखते हैं और देख देख के रोज अपनी बाहें फौलाद की तरह फुलाते हैं कि हाँ, अब इंडिया जो है वो विश्वगुरु बन गया है। क्लास में टीचर नहीं है, टीचर को पढ़ाने नहीं आता है, और ये कोर्स बनाने के लिए आप देखिए तो बाहर 50 लोग जाके जिंदाबाद मुर्दाबाद करते हैं। तो ऐसे देश में तो हमें बहुत सारी चुनौतियों को समझना है और उनसे निपटना है। बिना उनसे निपटे हम कैसे कर लेंगे फिर?